एक डालिएगा चौथी कर्टियस मेथड, डाइपेप्टाइड बनाने का ये चौथा मेथड है कर्टियस मेथड, ये भी एंड प्रोटेक्शन का ही है। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, आपकी जो स्टेप्स है ना, पहले फिशर से शुरू हुआ था 3, ठीक है, इसके बाद बर्गमान पे 4, फिर कर्टियस 5 हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक एक करके आपका स्टेप जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको खतरनाक लगेगा, क्योंकि कर्टियस ना बहुत बहुत मतलब समझिए कि कई स्टेप जोड़ दिया उसमें, बहुत तिगड़म कर दिया, तिगड़म जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में। बर्गमान फिर भी ठीक था, कि सबसे आसान अगर आप देखें तो फिशर का था, तीन ही स्टेप में फट से पहले एन को प्रोटेक्ट किया, दूसरे स्टेप में ला करके दूसरे एमिनो एसिड को कंडेंस किया, और चौथे में बॉडी गार्ड को हटा लिया, चौथे में बॉडी गार्ड यानी कि प्रोटेक्शन ग्रुप को हटा लिया, काम खत्म बन गया था। बर्गमान क्या किया, एक उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जो क्लोराइड बनाना था एसिड का क्लोराइड, वो स्टेप एक्स्ट्रा डाल दिया दूसरा वाला स्टेप, और इसके बाद कर्टियस ने तो पूरा एकदम मतलब ऐसी की तैसी कर दी, पूरी ऐसी की तैसी कर दी। देखिए इसने क्या किया, कर्टियस ने क्या किया कि पहले लिया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है भैया, ये है अपना एन प्रोटेक्शन वाला ग्रुप, फिर एक लिया ग्लाइसिन, ये तो चलिए कॉमन है, ये वाला ग्रुप कॉमन है जो कि सभी लोग तीनों लोग किए, फिशर भी किया, बर्गमान भी किया, और ये भी किया कि एन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला ग्रुप लिया है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिया और लेकर के ग्लाइसिन का एन प्रोटेक्ट कर लिया, और जिससे बन गया एन प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन। इस प्रोसेस को हम लोग जनरली बेंजाइलेशन भी बोलते हैं, तो अगर आपको अलग से कभी देखने के लिए मिले बेंजाइलेशन तो क्या होता है पहले स्टेप में हम लोग देखेंगे। फिर इस एन प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन को लिया और यहीं पर उसको क्या करना चाहिए था, फिशर की तरह से कंडेंस कर देना चाहिए था एलानाइन को ला करके, लेकिन ये कंडेंस नहीं किया, क्योंकि कंडेंस यहाँ पे होगा ही नहीं, जो कंपाउंड बनाया ना बहुत खराब कंपाउंड यहाँ बनाया है, बेंजाइल ग्रुप ही बेकार लिया है, तो ये ग्रुप मांगता है 2-3 स्टेप और। तो इस ग्रुप के लिए क्या करता है, वो पहले इसका बनाता है एस्टर, पीछे से ऐड करने के लिए दिमाग लगाता है, बनाता है पीछे से एस्टर, क्योंकि अभी जब आप देखेंगे तो पीछे COOH होगा, COOH को CO, देखिए एस्टर क्या होता है, तो एस्टर बेसिकली होता है ROOR, इस ये ग्रुप कहीं दिख जाए तो इसको बोलते हैं एस्टर, जैसे COO और यहाँ पे H होता है, तो इधर C ग्रुप यानी कि ये है अपना R ग्रुप, एक R ग्रुप यहाँ पे है, इसको भी R ग्रुप में बदलने के लिए यहाँ पर भी अगर एक हम लोग C लगा दे तो ये बन जाएगा अपने आप ROOR, दैट इज एस्टर ग्रुप, एस्टर बन जाएगा तुरंत। तो इसका एस्टरीफिकेशन करवाने के लिए, एस्टर में पहले कन्वर्ट करने के लिए जो लास्ट का COOH है ग्लाइसिन का, उसको करवा देता है C2H5OH से रिएक्शन, पिला देता है दारू। अब लो, अब कहाँ जाओगे, एस्टर तो बनना पड़ेगा, लेके आता है एकदम खंभा और उसके मुंह पूरा ठेल देता है, जब ठेल देगा तो अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से C2H5 जाकर के पीछे यहाँ पे जुड़ जाएगा, एच को निकाल करके एच और OH H2O बना लेगा, H2O बना लेगा और COOC2H5 यहाँ पे बना करके बना लेगा एस्टर। कुछ नहीं करना, एकदम छोटा छोटा स्टेप है, स्टेप एकदम छोटा छोटा है, आप दो बार इसको ऐसे रिवाइज करेंगे ना अपने आप दिमाग पे चढ़ जाएगा, उतरेगा नशे की तरह चढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लंबा थोड़ा सा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लंबे में क्या दिक्कत है, हम केमिस्ट्री वाले भाई केमिस्ट हैं, ऐसे थोड़ी है, अभी ये तो कम है, हम 10 स्टेप लेके वो भी याद कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां दो बार आप रिवाइज मारे अपने आप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एस्टर, फिर इस एस्टर को लिया, और एस्टर को लेने के बाद देखिए अभी यहाँ पे जो ROOR बन गया ना, ये जो पूरा रायता फैल गया, तो अब इसके कहाँ, देखिए हमको कहाँ बनाना, डाइपेप्टाइड, ये पता नहीं क्या क्या बन रहा है ना, हमको कहाँ बनाना है डाइपेप्टाइड, COOH के बीच में बॉन्ड बना करके डाइपेप्टाइड बनाना है, और ये पता नहीं क्या एस्टर फेस्टर बन रहा है, तो एस्टर को फिर से लेकर के क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, NH2 को हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन का मैंने और भी कई बार जिक्र किया है, कई बार मैंने इसका रिएक्शन भी करवाया है, तो हाइड्रोजन को लेकर के रिएक्शन करवाता है, तो इसमें से एक एच निकल करके, इसमें से एक एच निकलेगा और NH2 आकर के यहाँ पे फिर से ये जो अभी हम लोग जोड़े थे ना यहाँ पे, ये जो C2H5 हम लोग जो जोड़े थे, इस C2H5 को यहाँ से फिर से निकाल देता है, मतलब यहाँ से जो एल्कोहल पिला के इसको इतनी मेहनत करके एस्टर बनाया, उस एस्टर को, उस C2H5 को फिर से निकाल करके यहाँ पे, सॉरी यहाँ से ही, यहाँ से ब्रेक करके पूरा निकाल करके, ये पता क्यों पिलाया इसको, एल्कोहल की पिलाया, एस्टर की बनाया, ताकि एक ओ को यहाँ से रिमूव कर सके, एक ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल करके इसको CO में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि डाइपेप्टाइड बनाने के लिए हमको एक तरफ CO चाहिए, एक तरफ NH चाहिए, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। तो इस लास्ट वाले COOH को CO में कन्वर्ट करने के लिए इतना तिगड़म किया, इतना दिमाग लगाया कि पहले
आर ओ ओ आर बनाया, क्योंकि यहाँ से ना ये वाला जो ओ होता है ये तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है यहाँ से कार्बन से, लेकिन ये वाला जो ऑक्सीजन होता है दूसरा वाला ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो यहाँ से सिंगल वाले को तोड़ना आसान है जबकि डबल वाले को तोड़ना हार्ड होता है, तो इसीलिए दिमाग लगाया कि अगर हम लोग एस्टर में कन्वर्ट कर दें तो ये जो सिंगल वाला ऑक्सीजन रहेगा उसको तोड़ के आराम से निकाल देंगे, क्योंकि भैया ऑक्सीजन बहुत खतरनाक है, दूसरे नंबर की खूबसूरती इसको हिलाना ना हिल जाओगे खुद, तो इसलिए ये दिमाग लगा करके इस एक ऑक्सीजन को यहाँ से एस्टर बना करके निकालता है, हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करवाएगा तो हाइड्रोजन देखिए फिर से नाइट्रोजन आ गई टक्कर में, नाइट्रोजन ही हमेशा टक्कर देती है याद रखिएगा, नाइट्रोजन ही हमेशा टक्कर देती है बाकी खूबसूरतियों को, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो फ्लोरीन हो चाहे वो क्लोरीन हो कोई हो, नाइट्रोजन हमेशा टक्कर में रहती है, क्योंकि इसके पास ना खूबसूरती के साथ साथ ना अमीरी है, सरकारी नौकरी है, जो इसके पास अपना होता है लोन पेयर वो इसकी सरकारी नौकरी है समझिए, तो सरकारी नौकरी पे ना अच्छे अच्छे लोग फिर से फायदा हो जाते हैं, अरे भाई फ्री मिल रही क्या, खूबसूरती के साथ सरकारी नौकरी पता ही कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा, तो ये तुरंत यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल करके यहाँ पे COOH NH2 जोड़ देगा, अब लीजिए एक और रायता फल गया फैल गया, अब देखिए पता क्या बन गया CO और यहाँ पे NH और यहाँ पे NH2 बन गया, ये लीजिए अब यह एक और ग्रुप का काम खराब हो गया, इसी को बोलते हैं एसिड एजाइड, जब एसिड एजाइड बना लिया तो एसिड एजाइड बनाने का फिर सर खुजलाने लगा, अब क्या करें, तो इस एसिड एजाइड को लेकर के वैसे कुछ नहीं, अब कुछ नहीं करवाना इस एसिड एजाइड को, क्योंकि ये वाला ग्रुप ना बहुत प्यारा ग्रुप है, हाइड्रोजन बहुत प्यारा ग्रुप है, प्यारा ग्रुप क्या बोले पंडित बाबा है, पंडित बाबा ये बस ना तब आता है जब शादी करवानी है, और शादी करवा करके धीरे से प्यार से कभी बार कहने के बाद निकल जाता है पीछे से, तो ये आता है यहाँ पे शादी करवाने के लिए, तो इसको गायब कर देता है, खुद यहाँ पे जुड़ जाता है, बीच में आ जाता है, बीच में पंडित बाबा तभी आते हैं जब शादी करवानी होती है, और इसके बाद बुलाते हैं बहू को, आइए कन्या को बुलाइए समय हो गया है, जब कन्या को बुलाते हैं तो कन्या कौन है, एलानिन, क्योंकि एक जो वर है वर तो यहाँ पे आ चुका, ग्लाइसिन क्या है वर है यानी कि लड़का है, और एलानिन क्या है कन्या है, जब दोनों आपस में कन्या होंगे तब जाकर के डाइपेप्टाइड बनेगा, यानी कि दोनों की शादी होकर के एक कपल बन जाएंगे, ठीक है एक डाइपेप्टाइड बन जाएगा यानी कि दो लोगों का ग्रुप, तो एक कन्या आ गई, जब कन्या आएगी तो आने के बाद ये जो यहाँ पे अभी ये जो NH2 जुड़ा था एक पंडित बाबा धीरे से अपना मंत्र वंत्र पढ़ करके धीरे से यहाँ से निकल लेंगे नीचे से, और यहाँ पे CO के साथ ये जो एलानिन का NH2 होगा वो आकर के यहाँ पे धीरे से पीछे से जुड़ जाएगा, बोलिए जय श्री राम, हो गई शादी, और जैसे ही शादी होगी तो अभी बस यहाँ पे जो आगे आप देख रहे थे इतना बड़ा जो बेंजोइल क्लोराइड लगा था ये लगा होगा, और पीछे भी एस्टर ग्रुप लगा होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे भी लगी होंगी, मतलब उन सभी चीजों के साथ यानी कि प्रोटेक्टेड ग्रुप के साथ बन जाएगा डाइपेप्टाइड, यानी कि अभी शादी तो हो गई लेकिन बराती अभी गए नहीं है, मतलब बराती भी है, जैसे होता है ना जब शादी हो जाती है तो तुरंत थोड़ी घर पहुंच जाएंगे, तो मतलब बराती लोग भी है रिश्तेदार लोग भी है, और लेकिन शादी कम्प्लीट हो चुकी है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, अब वेट करना पड़ेगा कब सभी लोग जाएं यहाँ से कब हम अपने घर पहुंचे शादी के बाद कब विदाई हो, तो विदाई करवाने के लिए यानी कि जो अपने बॉडीगार्ड है जो रिश्तेदार लोग हैं उनकी विदाई करवाने के लिए डालेंगे पानी में नहलाएंगे सबको, भैया नहाओ निकलो, तो हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और नहला करके उनको भेजेंगे उनके उनके घर, और जब सभी लोग अपने घर चले जाएंगे तो प्योर एकदम अपना कपल आ जाएगा एलानिन और ग्लाइसिन का और होगा प्योर डाइपेप्टाइड, तो ये पूरी कहानी बेसिकली ये कर्टियस सोचा, देखिए कितना खतरनाक दिमाग है इस कर्टियस का, नाम भी अपना कर्टियस रखा है कर्टियस, तो कोई बात नहीं वैसे ये नहीं रखा हुआ, इसके मम्मी पापा रखेंगे ना कर्टियस, वो भी क्या सोचे मुझे बताओ, कर्टियस की मम्मी पापा सोचेंगे अपने बेटे का नाम कर्टियस रखेंगे आपको भी रखना अपने बेटे का नाम कर्टियस, मजा आएगा पूरा, हेलो कर्टियस इधर आओ, चलिए आते हैं इसके फर्स्ट पर आते हैं, इसको भी मैं दो तीन बार मिटा मिला के करना पड़ेगा नहीं तो खतरनाक खतरनाक ग्रुप है, हो नहीं पाएगा, मैं दो दो स्टेप करके दिखाता हूँ आपको, पहले आता हूँ बेंजाइल क्लोराइड, फिर से देखिए बेंजाइल है तो पहले आंख बंद करिए और बेंजीन बनाइए, आंख बंद और बेंजीन बन गई भैया, ये लीजिए बेंजीन बन गई, और बेंजाइल क्लोराइड देखिए कैसे बनता है, तो यहाँ पे जुड़ा होता है बेसिकली COOH, और इसी एच को हटा करके अगर हम लोग यहाँ पे Cl लगा दे, इसी एच को हटा करके अगर हम लोग यहाँ पे Cl लगा दे तो ये हो जाता है, सॉरी एच कैसे हटेगा भैया, एच कैसे हटेगा, COOH होता है ना, तो OH को पूरा हटा करके Cl लगा दे यहाँ पे, क्योंकि आप जानते कुछ ये ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH होता है, तो जब भी हटेगा तो ये OH पूरा सिंगल बॉन्ड से हट जाएगा ना, तो यहीं पे लगा दे अगर हम लोग Cl यहाँ पे अगर हम लोग लगा दे Cl दैट इज बेंजोइल क्लोराइड, यही क्या है बेंजोइल क्लोराइड है,
ये बन जाएगा बेंजोइक क्लोराइड। इसके बाद लेते हैं ग्लाइसिन को, प्लस ग्लाइसिन का तो अभी तक मैं हजार बार से ऊपर बना चुका हूँ स्ट्रक्चर, तो अब मैं नहीं बताने वाला। सी सी ओ ओ एच एंड इधर हो जाएगा एन एच टू और ऊपर नीचे आप जानते होता है ग्लाइसिन में एच, बोलिए जय श्री राम, बन गई स्ट्रक्चर। अब दोनों को करवाएंगे आपस में कंडेंस और कंडेंस करवा करके बताइए इसमें क्या बनेगा। तो अभी आपको कहानी पूरी पता चल गई होगी, फिर से वही कहानी मैं तीसरी चौथी बार एक ही क्लास के अंदर रिपीट करने जा रहा हूँ, एक ही कहानी फिर से वही वाली कि नाइट्रोजन के पास क्या है खूबसूरती के साथ सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी वाला जब अटैक होगा यहाँ पर कार्बन के पास, तो कार्बन इस क्लोरीन को भी, जो कि एक अपने आप में बहुत जबरदस्त खूबसूरती है क्लोरीन, इसको भी निकालने के लिए तैयार हो जाएगा। जब इसको भी निकालने के लिए तैयार हो जाएगा तो बस फिर क्या, नाइट्रोजन इसी का तो वेट कर रहा था, नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और एक सीएल यहाँ से निकल करके बना लेगा एचसीएल और ये दोनों आपस में आकर के कंडेंस हो जाएंगे। तो देखिए ये देखिए, तो इसको मैं सी डबल बॉन्ड ओ को मैं सी ओ कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा बनाना, बार बार डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा नहीं तो, क्योंकि उसका काम भी नहीं है। तो एन एच और यहाँ पे सी, यहाँ पे देखिए सी एच, यहाँ पे जो आपका सी एच एच है इसको मैं सी एच टू बना लेता हूँ और सी एच टू के बाद मैं यहाँ पे बना लेता हूँ सी ओ ओ एच, ये बन करके आ गया एन प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन, है ना, एन प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन हो गया अपना, यानी कि ग्लाइसिन का जो एमिनो ग्रुप था उसको हमने एक बॉडीगार्ड दे दिया और एन ग्रुप हो गया यहाँ पे प्रोटेक्ट, यानी कि यहाँ पे हो गया एमिनो ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया, अब इस पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा। तो अब इसको फिर से लेते हैं दूसरे स्टेप में, ये कहानी आप लोग जान चुके हैं, इसमें मैं अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको फिर लेते हैं। अब कहानी चलेगी पीछे, अब देखिए क्या है कि जैसे यन प्रोटेक्ट हो गया अब यहाँ पर तो अटैक नहीं हो सकता, अब बस एक ही काम बचा है कि पीछे किसी तरह से ला करके एलानाइन को जोड़ दें और जोड़ते ही काम हो जाए, फिट दोनों डाइपेप्टाइड बन जाएंगे। अब इसी को जोड़ने के चक्कर में कर्टियस कितना दिमाग लगाया, कितना स्टेप लेकर के गया, तो पहले इस सी ओ ओ एच का इसने एस्टरीफिकेशन करवा के बनाया एस्टर, पहले क्या बनाया इसका बनाया एस्टर, और एस्टर कैसे बनता है मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो आपको सी ओ ओ एच दिख रहा है इसका एच निकाल करके यहाँ पे इसने क्या जोड़ दिया, एक आर ग्रुप जोड़ दिया, तो आर सी ओ ओ आर इधर का समझिए ग्रुप हो जाएगा आर ग्रुप और ओ ओ इधर फिर से आर ग्रुप, तो ये हो जाएगा अपना एस्टर, देखिए किस तरीके से, तो ये हो जाएगा अपना। अच्छा मैं इसे घुमा दूं क्या, क्योंकि बार बार बनाना पड़ेगा, इस तरह से ज्यादा स्टिप हो जाएगा, मैं देखिए यहीं से ऐसे घुमा देता हूँ, ऐसे बेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। ये देखिए स्टेप टू यहाँ से आप कर लीजिएगा, स्टेप टू यहाँ से चल रहा है दूसरा स्टेप, ठीक है यहाँ से हो जाएगा अपना दूसरा स्टेप। तो ये देखिए यहाँ से इसने क्या किया, कर्टियस ने क्या किया कि रिएक्शन करवा दिया यहाँ पे सी टू एच फाइव ओ एच से, किसे रिएक्शन करवा दिया सी टू एच फाइव ओ एच से रिएक्शन करवा दिया, सी टू एच फाइव ओ एच यहाँ से ब्रेक होगा यानी कि ओ एच अलग सी टू एच फाइव अलग और यहाँ से एच निकला, एच और ओ एच मिलकर के यहाँ पे बना लिए एच टू यानी कि वाटर, यही वाटर अभी जाकर के यहाँ पे इसी वाटर से नहलाएंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे और यहाँ पे सी ओ ओ के साथ आकर के सी टू एच फाइव यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा यहाँ पे ऐसे 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 सी ओ एन एच सी एच टू और सी ओ ओ सी टू एच फाइव, ये देखिए सी ओ ओ सी टू एच फाइव, क्योंकि सी ओ ओ सी टू एच फाइव वहां पे आकर के जुड़ जाएगा, यही हो जाएगा अपना एस्टर, एस्टर बना गया, ये हो गया अपना स्टेप टू, एस्टरीफिकेशन हो गया दैट इज एस्टर बन गया। अब एस्टर से हम लोग कर लेते हैं स्टेप थ्री यहीं पर, क्योंकि अपने पास अभी जगह बच जा रही है, यहां से मैं कर देता हूँ स्टेप थ्री और स्टेप थ्री में हाइड्रोजन से इसने रिएक्शन करवा दिया एन एच टू एन एच टू, क्यों करवाया क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो अभी एस्टर बन गया है तो एस्टर में अभी मैंने बताया एस्टर में क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है एस्टर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है मीन्स यहाँ पे जो कार्बन होता है इस कार्बन से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो इस वजह से ये जो सी टू एच फाइव है ये ओ को लेकर के जा सकता है, एक ऑक्सीजन को यहाँ से गायब कर सकता है, तो सी ओ ओ एच में से एक ऑक्सीजन को हटाने के लिए इसने एस्टर बनाया था। तो इस जैसे ही हाइड्रोजन से जब ये रिएक्शन करवाएगा तो हाइड्रोजन फिर से वही बात, इसके पास फिर से क्या है
खूबसूरती है, खूबसूरती के साथ सरकारी नौकरी, ये फिर से अटैक करेगी इस वाले कार्बन के ऊपर। तो इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करते ही ये इधर से ऑक्सीजन को क्या कर देगा, निकाल देगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन दूसरे नंबर की खूबसूरती है। इसको निकलवाने के लिए कुछ तो लालच एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये जो लालच देती है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीजन को भी इधर से निकाल देता है कार्बन, और जब कार्बन निकाल देगा तो C2H5 और यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से अगेन जो C2H5OH हम लोग लिए थे वो देखिए यहाँ पे निकल जा रहा है C2H5, और यहाँ वाला O, और यहाँ से एक H मिल करके C2H5OH यहाँ पे तीसरे स्टेप में निकल जाएगा। और जब यहाँ से निकल जाएगा तो यहीं पे NH NH2 आकर के पंडित बाबा जी आकर के जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गई है, मुहूर्त आने वाला है, तो पंडित बाबा का रोल यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो देखिए पंडित बाबा आ जाइए सेंटर में, तो ये हो जाएंगे पंडित बाबा CONH। थोड़ा मैं और छोटा करके इधर बनाता हूँ, आएगा नहीं देखता हूँ। ये देखिए पंडित बाबा सेंटर में आइए, CO देखते रहिएगा, NH CH2 C C W 1 O, को चलिए मैं चाहिए लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए OC2H5 यहाँ से निकल गया, तो क्या आकर के जुड़ जाएगा, NH NH2 आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, NH NH2 यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो ये मैं चलिए अटैक भी दिखा देता हूँ, इस वाले कार्बन पर ये अटैक करेगा, तो ये आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, और इसे बोलेंगे हम लोग एसिड एजाइड, क्योंकि देखिए COOH ग्रुप यही था, तो एसिड वाले ग्रुप में आकर के कौन जुड़ गया, एजाइड हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं एसिड एजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड एजाइड। तो ये हो गया अपना कुल मिलाकर के 3 स्टेप, जल्दी से छापिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तब आते हैं अपने चौथे और पांचवें स्टेप पर।